ফয়েজমা গেমসমা বিশ্বমন্দ গরিলা পোর্টালের বিজয় গরাউন পর্ছ ভন্নি সবাই সবাই শুভকামনা রাখি মেরো দুই শব্দ এতিমাই সমাপ্ত করতে চাচ্ছি दार्जिलिङमा कर्सियङमा अब कालिम्पोङमा मिरिकमा यसरी प्रोग्रामहरू लगे अनि हामी दार्जिलिङको पश्चात जय हो हामी लाखौँ लाखौँ मानिसको अगाडि हामी जनसभा गर्नेछौँ कति खाना जस्तो भएको छ अध्यक्ष बिङको घर मान्नुहोस् त कसको लागि सही यो जनताको लागि सही मैले यसको लागि सही जहिले भन्छु मैले मेरो जिन्दगी जिइसकेको छु मैले मेरो जिन्दगी दिइसकेको छु जिउनु पर्ने जिन्दगी अब यो सानो सानो बालाका नानीको लागि जिउनु पर्छ भनेर मैले त्यसरी भनेको त्यसै भनेको होइन बाबाआमाको दाजुभाइदेखि मैले हो मैले त्यसै भनेको होइन किनभने म त अब भिखारी त पक्का भिखारी म अब सन्यासी भएर हिँड्नु मात्र बाँकी छ सन्यासी त्यसले गर्दा मेरो वरिपरि पनि म साधु सन्तलाई लिएर हिँडिबस्छु मेरो हिँडिबस्छु अब त के एकबारको जुनी मान्छेको जुनी भोलि होला कि हुन होला तर जति दिनसम्म छौँ यतिलाई केही न केही गरेर जाउँ होला भन्ने आस्था विश्वासमा आज काम गरेका छु मैले हेर्न चाहन्छु मेरो भाइ बहिनीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू जो पनि आज यहाँ आउनु भएको छ अब बिस्तारी दाजुभाइ दिदीबहिनी जसले आज अध्यक्षलाई माया देख्दाखेरि तपाईँको उत्सव मङ्ग देख्दाखेरि बिमारी पनि सबै हटेर गयो सबै त्यसले गर्दा घरिघरि त मलाई मेरो मन जब तपाईँलाई फर्स्ट टाइम मैले सम्बोधन गर्न मेरो भित्रको मनबाट लिएर आयो किनभने मैले डुवर्सलाई यति साह्रो माया गरेको छु एउटा स्कुल कञ्चनजङ्घा पब्लिक स्कुल त्यो डुवर्सको लागि मैले आज सृष्टि गरेको थिएँ कञ्चनजङ्घा पब्लिक स्कुल त्यहाँ सिक्दैमा नानीहरू पढाउँथे अनेक कुरो फेसिलिटी थिए एक नम्बर स्कुल मैले बनाइसकेको थिएँ मेरो नानीहरू इङ्ग्लिसमा एक नम्बर दिएको थिएँ अमित शाहको मोदी आया विजय भरिको मोदी आया अब ये कहाँ गए ये कहाँ गए किसने भोट हाले भएको हो टक्राको घमासम्म लडाइ भएको तर त्यस पश्चात हाम्रो एउटा मित्रता भएको थियो मित्रता भएको थियो अनि त्यो मित्रता हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ जोन बाबाजी तिमीलाई चाहिँ म एक दिन एनपी अथवा एमएलए बनाउँछु भनेर भनेको थिएँ त्यो वचन मैले पुरा गरे तर जोन बाबाजी क्वेसन गर्नु नरेन्द्र मोदीलाई क्वेसन गर्नु नरेन्द्र मोदीजी गयो भने मैले बोल्न चाहन्छु आफ्ना गोर्खाका समस्या सपना आफ्ना समस्या सपना भुल के किया था पिपराका मिटिङ से गोर्खाका समस्या मेरा समस्या ये समस्या मैं समाधान गरूंगा भुल के किया था कब होगा मोदी जी ये समस्या का समाधान कब होगा आपका सपना सपना रहेगा विपणन में परिणत नहीं होगा विपणन में परिणत कब होगा इसके लिए एक एक कटा खून देकर ये गोरखा जाति ने विभिन्न प्रांत में रक्त बहा दिया देश को बताया है देश ने क्या दिया है गोरखा
निर्माण बना था। कब होगा मोदी जी आपका घोषणा के ये चीज कब होगा पूरा बताइए ना। गोरखा के लिए कितना बुरा क्यों सोचता है मोदी जी, क्यों सोचता है अमित शाह जी, क्यों सोचता है विजय मोदी जी, क्यों सोचता है यहां आके दोष में आके गोरखा का क्षेत्र क्षेत्र में जाके बोलता है कि हम लोग करेंगे आपको जो भी है हम लोग करेंगे आपका डेवलपमेंट विकास उन्नति। क्या उन्नति किया है अब तक? माथा के राजनीति करता है, दंगा फसाद पार्टी है तो बीजेपी पार्टी दंगा फसाद है। मैं बोलना चाहता हूं आदिवासी को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, मुस्लिम कम्युनिटी को, एक वोट भी नहीं देना चाहिए दिलीप को, एक वोट भी। ये कमीनल है, कमीनल कमीनल, एक वोट भी बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। दो चार आदमी है यहां पर, दोष में दो चार आदमी है जो गोरखा बोलता है। पति कन्नवाले आज अपनी रहेगा सर अपर राम लिया था, बिक्की राम लिया था।